कमल में पंचायती चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार की इबारत भी लिखी जानी शुरू हो चुकी है। युवती ने एडीओ पंचायत पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद एसडीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करती है, वहीं यूपी के संभल में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी को परिवार रजिस्टर में अपना नाम दाखिल करवाने के लिए प्रभारी एडीओ पंचायत को 5,000 की रिश्वत देनी पड़ेगी, तभी जाकर उस बेटी का नाम परिवार रजिस्टर में दाखिल हो पाएगा। दरअसल मामला पवासा विकास खंड के ग्राम मोहम्मदपुर टांडा से जुड़ा है। 20 वर्षीय युवती नेहा ने प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव पर आरोप लगाया है कि मैं अपना परिवार रजिस्टर में नाम दाखिल कराने के लिए पवासा विकास खंड गई थी, तब वहां पर मौजूद प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव मुझसे परिवार रजिस्टर में नाम दाखिल करने के एवज में 5,000 रुपए की मांग करते हैं। मैं बेहद गरीब परिवार से हूं, मेरी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है, इसलिए मैंने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके चलते मेरा नाम परिवार रजिस्टर में दाखिल नहीं किया गया है। आपका हाँ क्या मामला है? मामला ये है कि वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। पमास्ता ब्लॉक में मैं जा चुकी हूँ, लेकिन वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन मैं रजिस्टर में नाम चढ़ाने के बाद पमास्ता ब्लॉक में गई हूँ। मैं कटरे साहब मेरे से 5,000 रुपये मांग रहे हैं। किस चीज़ के? जी परमल लिस्ट नकल में नाम नहीं चढ़ा रहे मेरा। क्या नाम है उनका सेक्रेटरी साहब? उनका कपिल चौहान। और वो एडीओ पंचायत को यहाँ बुलाकर बात की गई है। वो शिकायतकर्ता और एडीओ पंचायत के आमने सामने बात कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो अपना परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। एडीओ पंचायत का कहना है कि परिवार रजिस्टर में इनके परिवार का पूर्व से किसी का नाम दर्ज नहीं है, और इसे साक्ष्य माना गया है, और ये अभी तक कोई साक्ष्य भी गाँव में रहने का नहीं दे पाई है। तो एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ये इस संबंध में उनसे शपथ पत्र प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करें, और जो पैसे का आरोप लगाया गया है उसकी जांच करने के नायब तहसीलदार को जो है दे दिया गया है, और जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई।